हाय गाइस, क्या आप जानते हैं ऐसी बहुत सी चीजें इलीगल हैं जो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं, पर फिर भी ये गलतियां हम जाने अनजाने कर देते हैं। तो चलिए आज हम जानेंगे ऐसे 10 इलीगल काम जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस, पहले आप कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जो बिल्कुल लीगल है, और वो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, टोरेंट के द्वारा कुछ भी डाउनलोड करना। टोरेंट के द्वारा हम कई सारे मूवीज, वीडियोस, सॉफ्टवेयर और जो भी कुछ हमें चाहिए होता है हम डाउनलोड कर लेते हैं, एंड वो भी फ्री में। बट ये इलीगल है। आप कोई भी मूवीज, सॉफ्टवेयर या किसी के भी द्वारा क्रिएट किया हुआ कंटेंट बिना उसकी इजाजत के या बिना भुगतान किए हुए नहीं देख सकते हो, ना ही यूज कर सकते हो। ये पूरी तरह से इलीगल है। कुछ कंपनीज आपकी डाउनलोड हिस्ट्रीज पर भी नजर रखती हैं। इनसाइट्स के द्वारा अगर आप उनकी नजर में आते हो तो आप कानूनी कार्रवाई में भी पड़ सकते हैं। नंबर 2, पब्लिक वाईफाई इस्तेमाल करना। क्या आप जानते हैं कि यदि आप पब्लिक वाईफाई यूज करते हैं, जैसे बार, रेस्टोरेंट्स या किसी के पर्सनल वाईफाई बिना उसकी परमिशन के, तो ये उसी प्रकार है जैसे आप उसके द्वारा खरीदी हुई चीज को चोरी कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप जेल भी जा सकते हैं। तो अगली बार ये काम करने से पहले सोच लीजिएगा। नंबर 3, कुछ भी बेचना ऑफलाइन या ऑनलाइन। क्या आप जानते हैं यदि आप अपनी पुरानी वस्तुओं को भी बेचते हैं, जैसे OLX पर या किसी कबाड़ी वाले को अपना सामान भी बेचते हैं, और आप इसकी जानकारी इनकम टैक्स विभाग को नहीं देते हैं, तो ये भी इलीगल है। क्या हुआ, सोच में पड़ गए? पर ये बिल्कुल सही है। आप जो भी कमाते हैं उसका ब्यौरा आपको इनकम टैक्स विभाग को देना होता है, चाहे उसका जरिया कोई भी हो। अगर आप इसकी जानकारी इनकम टैक्स विभाग को नहीं देते हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। नंबर 4, ऑनलाइन अपना फेक नेम यूज करना। हम लोग अपना ऑनलाइन फेक नेम यूज करते हैं, बट ये इलीगल है। पकड़े जाने पर आपको लंबी जेल भी हो सकती है। फेक नेम यूज करना हैकिंग की कैटेगरी में आता है। नंबर 5, बिना पे किए खाना खाना। आप कभी कभी स्टोर्स पर जाते होंगे, जैसे विशाल मेगा मार्ट, बिग बाजार और ऐसे बहुत सारे स्टोर्स, और वहाँ पर अगर आप कोई चीज टेस्ट करना चाहते हैं, ये चेक करने के लिए कि वो अच्छी क्वालिटी की है या नहीं, और आप उसका पेमेंट नहीं करते, तो ये इलीगल है। अगर स्टोर ओनर चाहे तो आपके खिलाफ एक्शन भी ले सकता है, बट आप उसे टेस्ट कर सकते हैं अगर स्टोर ओनर की पॉलिसी में लिखा है कि टेस्ट करना अलाउड है, अदरवाइज ये इलीगल है। तो अगली बार कुछ भी टेस्ट करने से पहले सोच लें। नंबर 6, कॉपीराइट कंटेंट इस्तेमाल करना। आपको कभी भी कोई भी प्रेजेंटेशन बनाना होता है तो आप क्या करते हो, आप ऑनलाइन कई सारा कंटेंट निकालते हो, जैसे डेटा, फोटोज एंड इफेक्ट्स, और आप उसे अपने प्रेजेंटेशन में कॉपी पेस्ट करते हो और प्रेजेंटेशन रेडी कर लेते हो। क्या आप जानते हो ये सारा कंटेंट कॉपीराइट होता है और इसका इस्तेमाल करना इलीगल है। हर देश में कॉपीराइट का अपना रूल है, और उन रूल्स के अकॉर्डिंग आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। नंबर 7, ड्राइव करते वक्त फोन यूज करना। क्या आप जानते हैं गाड़ी चलाते समय बात करना या मैसेज करना इलीगल ही नहीं, खतरनाक भी है। इसी वजह से काफी सारे एक्सीडेंट्स भी होते हैं, और इसके खिलाफ बहुत सख्त नियम हैं। इसके चलते आप पर भारी जुर्माना और जेल भी हो सकती है। नंबर 8, वीडियो कॉल की रिकॉर्डिंग करना। जब आप स्काइप या किसी वीडियो कॉल की रिकॉर्डिंग करते हैं बिना उस व्यक्ति की जानकारी के जो आपसे बात कर रहा है, तो ये इलीगल है। यहाँ तक कि उसकी परमिशन के बिना आप उसका फोटो भी यूज करते हैं, तो वो भी इलीगल है, और इसके लिए आप किसी लीगल कार्रवाई में भी पड़ सकते हैं, और ये प्राइवेसी के अंतर्गत आता है, और हमें किसी की प्राइवेसी का सम्मान करना चाहिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और अगर आपके पास कोई सुझाव है या किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमारी कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें। तो जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। टिल देन, बाय बाय।